अस्सलाम वालेकुम इबास, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल करेले। सबसे मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और इसे मैंने छील के और ये इस तरह बारीक काट लिए हैं। अब इसमें हम इसे नमक लगा लेंगे। इसकी करवाहट निकालने के लिए मोस्टली करेले बनाते हैं तो वो करवाहट नहीं निकलती। ये मैंने एक चम्मच नमक ले लिया है। ये हमने नमक लगा दिया है और इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके ये जज़्ब कर हो जाएगा, इसे लग जाएगा और इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए रहने देंगे ऐसे ही। और दूसरा अब एक साथ ही मैंने इसके बीज को अलग कर लिया है और इसे भी हम थोड़ा सा नमक इसके लगा देंगे। बीजों को भी हमने नमक लगा लिया है। अब इन दोनों को हम थोड़ी देर के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए नमक लगा रहने देंगे। इसका पानी करवाहट सारी निकल जाएगी। उतनी देर हम दाल को बॉईल कर लेते हैं और इसमें जो मसाले वगैरह डालने हैं, जैसे प्याज है, प्याज हम काट लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने एक बर्तन लिया है, ठीक है, और इसमें हमने थोड़ा सा ये ऑयल डाल दिया। इसमें जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें करेले जो हमारे कटे हुए हैं उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। बीज को भी हम फ्राई कर लेंगे उनके। ये चने की दाल ली है, इसे बॉईल कर लिया है। तकरीबन ये 200 ग्राम मैंने दाल चने के लिए है और ये इसे अच्छे तरीके से मैंने बॉईल कर लिया है इसे। बस ये कह के 3 घंटे बाद हमने इन्हें अच्छे तरीके से धो लिया, ठीक है, निमल के अच्छे तरीके से धो के और इन्हें निचोड़ लिया हमने अच्छे तरीके से, यानी कि पानी को खुश कर लिया है। और बीजों को भी हमने इसी तरह किया है। अब इससे करवाहट नहीं इसकी होगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया अच्छे तरीके से। अब हम कटे हुए जो करेले हैं वो इसमें डाल देंगे। इसमें डालना चाहिए भाई। हमने बीज को डब्बी में डाल लिया है ग्राइंड करने के लिए। बस ये देखिए क्या मैं ये लाइट ब्राउन हो गया माशाल्लाह से। अब हम इसे अलग से प्लेट पर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह के अब हम जो बीज ग्राइंड किया है हम वो निकाल इसमें फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह बस ये देखें मगर ये भी लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसे भी निकाल लेंगे इन्हें, जिसमें हमें करेले निकाल लें उसी प्रेजेंटेशन हम निकाल लेते हैं इसे। अब ऑयल में दाल फ्राई कर लेंगे। अब मैंने थोड़ा सा अदरक का पाउडर लिया है थोड़ा सा, वो इसमें मैं शामिल कर दूंगा। इसमें हम दाल फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं अदरक लहसुन का पाउडर इसमें डले। फिर इसमें प्याज की ज़रूरत होती है, बाकी वही मिर्चें, सब्ज़ और टमाटर। सिर्फ स्वादीपन को दाल के लिए हमने इसमें थोड़ा सा यदर का पेस्ट शामिल किया। अब इसमें दाल को फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दाल को थोड़ा सा हम भून लेंगे इसे, यहाँ लाइट्स ब्राउन सी कर लेंगे हम। अब इसमें थोड़ी सी हम थोड़ा सा दाल की जो फीकी होती है इसे हम थोड़ा सा इसे टेस्टी बनाएंगे। थोड़े से हम इसमें हल्दी इसमें डाल देंगे थोड़ी सी, क्योंकि दाल ऑलमोस्ट इन्हें फ्राई हो गई है जितनी हमें चाहिए।
बहुत ज़्यादा इसे नहीं, ऑयलमेंट हमने करनी इसे, और नमक मिर्च मसाले जो आपके हसबे जायका, थोड़ा सा हम इसमें नमक डालते हैं, और नमक कम रखिएगा क्योंकि करेलों में हमने जो नमक लगाया होता है वो पूरी तरह नहीं निकलता, वो इससे जज़ब भी करते हैं। थोड़ी सी हमने लाल मिर्च पीसी हुई, पिसा हुआ धनिया साबुत, थोड़ा सा हमने गरम मसाला पाउडर और जीरा पाउडर लिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये अब हम दाल निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब हम थोड़ा सा इसमें ऑयल लेंगे। अब इसमें हम मसाला तैयार करेंगे इनका। तीन से चार अदद मैंने प्याज को बारीक कट कर लिया है, उसका इसमें मैंने तीन अदद टमाटर लिए हैं और तीन अदद सब्ज हरी मिर्चें, और इन्हें बारीक काट लिया मैंने। रामीम, हम प्याज इसमें डाल देंगे, प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। यस, ये देखें हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है। अगर हम इसे थोड़ा सा और करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें कटी हुई सब्ज मिर्च और टमाटर डालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ठीक है, नमक मिर्च मसाले जो है वो हसबे जायका डाल सकते हैं। इसमें डालना है, ये मैंने हाफ टी स्पून ज़ीरा दिया है इसमें, और वन टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया, और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी, हाफ टी स्पून मैंने इसे लाल मिर्च ले लिया। नमक मसाले आप हसबे जायका आप ले सकते हैं, और नमक की तो मैंने दाल में भी शामिल किया था, करेलों में भी नमक लगाया हुआ था, तो इसलिए हम नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखेंगे। इसमें हसबे जायका नमक का हम इस्तेमाल करेंगे, अगर कम हो तो हम मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। अब इसे इसके ऊपर हम ढकना दे देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये हम टमाटर भी इसके अंदर मिक्स हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हम देखें तो मसाला हमारा एक जैसा हो गया, एक जान
हम एक घंटा पानी हम थोड़ा सा शामिल कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे ढकना दे देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये 4 से 5 मिनट हमारे हो गए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यहाँ पर हम करेले और उसके बीज वो हम शामिल करके जो हमने फ्राई किए हुए थे। इसमें बिल्कुल कबाहट नहीं इनमें, इंशाल्लाह आगे रेसिपीज में हम आपको दाल के भरे हुए बेसन के कीमे के वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। इसमें डाल मिल जाए, अब हमारी वही दाल जो हमने भुनी हुई फ्राई की थी वो इसमें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हम ये देखे तो मैं पूरे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसे हम 5 मिनट के लिए इसे भुनेंगे बस, उसके बाद हम इसे दही का दम लगा देंगे इसे हल्की आंच पे। और ये बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, बच्चे आज भी बनाएं, थोड़ा इसका मज़ा आएगा आपको खाने में, बच्चों को भी जो नहीं भी खाते वो भी खाएंगे। और इसमें करेलों का बिल्कुल जाहिर नहीं होगा कि करेले अगर वो नहीं खाते तो जो करेले आ रहे हैं मुँह में या जिस तरह भी है, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है इसकी। बस ये 5 मिनट हो गए, अब मैंने हाफ कटोरी दही के लिए है, अब इसका हम दम लगा देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसे अच्छे तरीके से हिला दिया इसे, बिस्मिल्लाह। अब इसमें आपको ढकना दे देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये 5 मिनट हमारे हो गए, देखिए हमारे दाल करेले ज़बरदस्त माशाल्लाह से तैयार हैं। अब इसे सर्विंग प्लेट में या बाउल में निकाल लेंगे। इसमें गरम होना है, व्यूअर्स ये देखें हमारे दाल करेले माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं और बिल्कुल में कबाहट नहीं, बहुत स्पाइसी मज़ेदार बने हैं। और बच्चों को भी आपको खिलाएं तो बच्चे ये नहीं निकालेंगे, और ना इसमें करेलों का पता चला कि इसमें करेले हमने शामिल किए हैं। व्यूअर्स अगर और व्यूअर्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स लाजम दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल का बटन दबा लीजिएगा ताकि नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाया करे। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट रेसिपी भी हम बनाएंगे करेले के साथ, जो भरे हुए करेले होंगे उनकी अब हम रेसिपी शेयर करेंगे, बेसन के, दाल से भरे हुए कीमे के इंशाल्लाह। और इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।